अस्सलाम वालेकुम वर्स, मैं हूं आपका होस्ट असनान मलिक और आप देख रहे हैं गौरी टीवी चैनल। तो वर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जी 8 मरले पे बना हुआ डबल स्टोरी बहुत ही खूबसूरत और शानदार घर। ये आप इस घर का फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं जी। इस वक्त ये हम इसके कारपोर्च में एंटर हो रहे हैं जी। ये इसका कारपोर्च है, बिल्कुल मेरे सामने इसकी मेन एंट्रेंस है। लेफ्ट साइड पर ड्राइंग रूम का डोर है और ये लेफ्ट साइड पर गैलरी बनी हुई है। बाहर वाल भी आप देख रहे हैं जी, टाइल्स लगी हुई हैं, सामने भी आपको टाइल्स नज़र आ रही हैं। व्यूअर्स, ये तकरीबन 8 से 10 साल पुराना घर है और रीफर्निश्ड घर है, दोबारा तैयार हुआ है जी। बहुत ही अच्छा ये घर है और ये हम इस वक्त इसके ड्राइंग रूम में एंटर हो चुके हैं। अगर लोकेशन की बात करें जी, तो ये घर रावलपिंडी के इलाके एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में वाकया है। ये इसका ड्राइंग रूम है जी, काफ़ी बड़ा ड्राइंग रूम है। वाइट कलर की सीलिंग है, रूफ लाइट्स लगी हुई हैं। मेरे लेफ्ट साइड पर दीवार पर PVC पैलिंग हुई है जी, बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं। ये जनाब मेरे राइट साइड पे मेन एंट्रेंस थी, सामने ये किचन है, सामने दो बेडरूम है और ये ड्राइंग रूम की सॉरी टीवी लाउंज की अलमारी आपको दिखा रहा हूँ जी। यहाँ पे छत की सीलिंग है, अभी आपको मैं टीवी लाउंज की दिखा रहा हूँ, वाइट कलर में और ब्लू कलर की रूफ लाइट्स लगी हुई हैं। अगर फैसिलिटीज़ की बात करें जी, तो यहाँ पर बिजली पानी गैस तीनों सहूलतें मौजूद हैं। बिजली का मीटर लगा हुआ है, गैस का मीटर लगा हुआ है, पानी यहाँ पर अवेलेबल है। और ये हम अभी इसके किचन में एंटर हो चुके हैं। किचन आप देख सकते हैं जी, बेहतरीन तैयार हुआ हुआ है। किचन कैबिनेट आपको नज़र आ रहे होंगे, सामने टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं दीवारों पे, रिफर्निश्ड हुआ है आप देख रहे हैं जी, हर चीज़ नई लगी हुई है और बेहतरीन घर है जी। और लोकेशन के लिहाज से भी बहुत ही अच्छी लोकेशन में है जी। ये एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर VIP में वाक़िया है। ये इसका बेडरूम है जी, बेडरूम में हम इंटर हो चुके हैं। वाइट ही कलर की यहाँ पे भी सीलिंग है जी और इसमें रूफ लाइट्स भी लगी हुई हैं। नीचे फ्लोर पे मार्बल लगा हुआ है, बिल्कुल सामने लॉबी आपको नज़र आ रही होगी। राइट साइड पे अलमारी बनी हुई है और बिल्कुल सामने विंडो है जो कि बैक गैलरी की तरफ खुलती है जी। लेफ़्ट साइड पर ये इस बेडरूम के साथ अटैच बाथ है। तो व्यूअर्स, काफ़ी टाइम से मैं इस चैनल पर वीडियोज़ अपलोड कर नहीं कर रहा था, असल में मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, थोड़ा बिज़ी होने की वजह से, मसरूफियात की वजह से। तकरीबन 2 से 2.5 माह मैंने मार्केट से आउट रहूं और कोई वीडियो नहीं अपने चैनल पर लगाई जी। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर हूं तो डेली आपको यहां पर नए से नए घर की वीडियोस मिलेंगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जी, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जी कि डेली आप मेरी वीडियोज़ देखा करें, क्योंकि इतनी मेहनत से हम साइडों पे जाते हैं, वहाँ से ये वीडियो बना के लाते हैं, और अगर आप वीडियो ना देखें तो फिर हमारी हौसला अफज़ाई नहीं होगी। हमारी हौसला अफज़ाई के लिए वीडियो देख लिया करें, लाइक भी कर दिया करें और बेल आइकन को ऑल पे भी कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर मिल जाए। ये इसका दूसरा बेडरूम है जी, वो मैंने आपको दिखाया। इसमें भी यहाँ पर ये बात है, बैक गैलरी का डोर मैंने आपको दिखाया, वहाँ से हम बैक गैलरी में भी गए हैं, वो भी मैंने आपको दिखाई है। तो आगे बढ़ते हैं जी। 8 मरले पे डबल स्टोरी बना हुआ है और नीचे जो बना हुआ है मैंने आपको दिखा दिया जी, एक कारपोर्च है और यहाँ पे ये स्टेयर्स हैं जो कि ऊपर दूसरे पोर्शन की तरफ जा रही हैं जी। एक पोर्शन में मैंने आपको कारपोर्च दिखाया, ड्राइंग रूम दिखाया, टीवी लाउंज और दो बेडरूम। सेम वही नक्शा है जो 25x50 5 मरले प्लाट का होता है, लेकिन ये 8 मरले पर है तो इसके कमरे वगैरह, टीवी लाउंज, हर चीज़ काफ़ी खुली खुली बनी हुई है। ये जनाब जैसे ही ऊपर आते हैं जी, तो यहाँ पर ये सामने आपको एक डोर नज़र आता है, डबल डोर लगा हुआ है, सॉलिड और जाली वाला। यहाँ पे ये अलमारी बनी हुई है, सामने बाथ है जी, और बाहर इसके टेरेस है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जी। ये बाथ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि ड्राइंग रूम के लिए इस्तेमाल होता है, और ये जी डबल डोर है, जाली वाला और सॉलिड डोर यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ से आप फ्रंट टेरेस पे आ जाते हैं। ये इसका टेरेस है जी, सामने स्टेनलेस स्टील की ग्रिल आपको नज़र आ रही होगी। नीचे मेन स्ट्रीट का व्यू है जी, आप देख रहे हैं गुंजान आबाद ये इलाका, बहुत ही अच्छा घर है जी। इसका जो रास्ता है जी, वो इस्लामाबाद हाईवे जो गुलबर्ग ग्रीन्स का अंडर पास है, वहाँ पे अगर आप खड़े होते हैं तो लेफ़्ट साइड पर गुलबर्ग ग्रीन्स है और राइट साइड पर एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी शुरू हो जाती है। ये जनाब ऊपर आते हैं तो यहाँ पर ये एक आपको ड्राइंग रूम या कमरा आप कह सकते हैं जी, ये मिलता है। वाइट सीलिंग है, दीवारों पर PVC पैलिंग हुई है, नीचे फ्लोर पर मार्बल है, नए डोर इसमें लगे हुए हैं। ये TV लाउंज में आ चुके हैं जी, सामने दीवार पे आप देख रहे हैं जी वॉलपेपर लगा हुआ है। यहाँ पे ये आपको अलमारी नज़र आ रही है जी, बेहतरीन किस्म की अलमारी बनी हुई है, इसमें LED की जगह भी है, वाइट ही कलर की सीलिंग है जी। तो इस्लामाबाद हाईवे से जी इस जो घर का रास्ता है वो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर आप कह सकते हैं जी, 1.5 किलोमीटर तक का फासला है।
इस्लामाबाद हाईवे से गुलबार्ग ग्रीन के अंडरपास से, और इसका जो दूसरा रास्ता है जी वो गुलजार कायद की तरफ से इंट्रेंस है, वहाँ पे भी फासला तकरीबन इतना ही बनता है 1.5 किलोमीटर, लेकिन वो जो रास्ता है वो रावलपिंडी की तरफ से आता है यानी पुराने एयरपोर्ट की तरफ। तो ये बेडरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, टोटल इस घर में 4 बेडरूम हैं जी, 4 अटैच बाथ हैं, 2 ड्राइंग रूम हैं, 2 ही टी वी लॉन्च हैं और 2 ही किचन है। ये बेडरूम में अलमारी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने विंडो है, सेम उसी तरह नक्शा है जिस तरह नीचे बना हुआ था, यहाँ पे ये बाथ है जी इसके साथ अटैच, ये जनाब बेडरूम मैंने आपको दिखा दिया है जी। अब इसका जो दूसरा बेडरूम है वो मैं आपको दिखाता हूँ जी, यानी चौथा बेडरूम पूरे घर का, यहाँ पे भी दीवार पे वॉलपेपर आपको नज़र आ रहा होगा, सामने बाथ है और बाथ के साथ ये लॉबी अलमारी बनी हुई है, और सामने आपको विंडो नज़र आ रही है, उसके साथ ही बैक गैलरी का डोर भी है। तो वर्ज जो इसकी डिमांड होती है जी, जो भी मैं आपको घर दिखाता हूँ इसकी जो डिमांड होती है हम ऑनर से पूछते हैं, ऑनर जो घर की डिमांड करता है जी वो हम अपने चैनल पर लगा देते हैं, बाकी आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं, घर विज़िट करें, घर देखें, अगर आपको पसंद आता है ऑनर को आपके सामने बिठाएंगे, आमने सामने डील होगी, रेट में मज़ीद कमी करवा कर देंगे, बाकी हमारा कमीशन होता है। रेट इस वक्त काफ़ी बढ़ चुके हैं जी, आपको पता है मटीरियल भी महंगा है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, तो इसलिए घरों के रेट्स भी अभी ज़्यादा हैं। तो ये छत पे आ चुके हैं जी, छत पे चिप्स डली है, चारदीवारी हुई है, पानी की टंकी बनी हुई है जो कि कंक्रीट की है, ये सामने एक कमरा बना हुआ है, ऊपर सलून क्वार्टर है। तो व्यूअर्स अब चलते हैं जी डिमांड की तरफ, तो जो ऑनर इस घर की डिमांड कर रहे हैं जी 2,30,00,000 है जी, बाकी हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, आपको ये घर विज़िट भी कराएँगे, और अगर आपने डील करनी है जी तो ऑनर के सामने आपकी डील कराएंगे, रेट में मुनासिब जितनी भी कमी हो सकी कमी करवा कर देंगे। तो अगर उम्मीद करता हूँ जी कि मेरे वीडियो आपको पसंद आई होगी, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, अल्लाह हाफिज़।